अपने ऊपर अक्षर सा लागू करते हैं तब ओला पाने के अधिकारी बन जाते हैं। ये कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो किसी ने आज तक कराया। कबीर साहब से लेकर हजारों समुदाय, लेकिन ये परमार्थी श्रमदान सेवा किसी ने न कराई है, न इसका लाभ दिया है, न लाभ दिला पाए, न जान पाए, क्योंकि ये समृद्ध मालिक का इशारा है, ये किसी इंसान का नहीं। जो इंसानी शक्ल में हम सब इंसानों के लिए आते हैं, हम सब इंसानों के पाप कर्मे बोझे को हल्का करते हैं, हम सबकी जीवात्मा को जगाते हैं, मालिक से मिलाते हैं, उनका काम सृष्टि में अनोखा होता है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते, ये बुद्धि के परे है। क्या कोई समझेगा कि मिट्टी से कुछ काम होगा? अरे हाँ, मिट्टी तो मिट्टी है, एक दिन तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने से पहले अगर इस मिट्टी से आपके शरीर का काम बन जाए तो इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप समझते नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो, सही सच्ची बात बताई जाए तो आप मानते नहीं, तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता, तमाम शंकाओं में उलझा रहता। ये शंका संदेह वर्णन का विषय संत मत में है ही नहीं, बिल्कुल एकदम निखारी। साफ हो जाओ, अपने अपना इशारा पक्का रखो अर्जुन की तरह, केवल चिड़िया की आंख और आपको केवल शब्द का, वो तो नकली आंख की बात थी, ये असली आंख की बात। बाहर वाली कड़ी की दुआ से तो उन्होंने टिकाया और गुरु के आदेश का पालन करके लाभ प्राप्त कर लिया। आपको अपनी आध्यात्मिक आंख टिका करके सत पर और बिंदु पर और प्रकाश पर, यानी टिका कर एक काम बना लेना है। जब ये कठिन देखा गया तब आपको शरीर से वो भी किया जाता और शरीर से मिट्टी बनाया जाता। इतना सरल नहीं, कुछ नहीं और इसमें प्रेमी न कुछ सोचता है न कुछ शंका करता, सीधे लगा पड़ा। सत्संग करोगे नींद आ जाएगी, वहां भी काल अपना काम करेगा। भजन करोगे नींद आ जाएगी, वहां भी काल अपना काम करेगा। लेकिन प्रेमियों, दयाल की परमार्थी श्रमदान सेवा में काल की कोई चाल चलने वाली नहीं। यहाँ कोई नींद नहीं, यहाँ कोई आलस्य नहीं, यहाँ कोई प्रमाद नहीं किसी तरह का। अब कितना बड़ा, यानी प्रेमियों को ये विश्वास करके ये लाभ प्राप्त करते हैं जो हिंदुस्तान देश के कार्य कर रहा। यहाँ के लोग भी देख रहे तमाशा, इनको भी कुछ नहीं मालूम है क्या, इधर समझते कोई नौकर आ गए, कोई मजदूर आ गए, हमने क्या मालूम कि कहाँ की मजदूरी, कहाँ के मजदूर है और मजदूरी करके कहाँ का लाभ प्राप्त करेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। ये आंखों से देखकर, कानों से सुनकर और बुद्धि से विचार करके भी इस लाभ को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा सांसारिक भोगों का मन, पापों का ढेर लदे हुए हो, तुम्हारे ये समझ में नहीं आएगा ये सेवा क्या है, इस सेवा का लाभ क्या है। हम तो पहले आपको मौका दे रहे, ग्रामवासियों को, सबको मौका दे रहे, और जब तुम नहीं करोगे, हमारे प्रेमी अभी 10 तारीख से आना शुरू कर देंगे और सब काम करके आपको दिखा देंगे और ये तुम्हारे पर कर्जा ला देंगे। जय इस कर्म कर्जे का भुगतान तुम नहीं कर सकते, इतने जन्म लेकर भी इनकी सेवाओं का कर्जा आप नहीं उतार पाओगे। अभी आपने देखा जो रास्ते में खड़ंजा लगाया गया है, कितनी प्रेमियों ने सेवा की और तुम तमाशा देखते रह गए और तुम्हारे पर कर्म कर्जे का बोझा ढकेल दिया, साथ तुम्हारी बर्दाश्त की और तुम ऐसे तमाशा देखते खड़े रहे, तुम्हारी बुद्धि ने कोई काम किया नहीं, तुम्हारी नजर ने कोई काम नहीं किया, तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे शरीर ने किसी की समझ में नहीं आया ये क्यों कराया जा रहा। इनको क्या यहाँ पर रोज चलना है, रोज आना है, चलना तुमको है, लाभ तुमको उठाना है और काम ये कर रहे, ये हिंदुस्तान में कोई कर सकता? अपना अपना काम कोई नहीं करता। ये परमार्थी श्रमदान सेवा का
तुम अर्थी नहीं जानते हो, तुम लाभी नहीं जानते हो, इसीलिए तुम वंचित और खाली रह जाते हो। तभी कहा गया चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। आज ये अंधेरा तुम्हारे कर्मों की सजा है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। आंखें होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हो, कान होते हुए भी आप सुन नहीं पाओ, शरीर होते भी आप अच्छा परमार्थी सेवा कर भी नहीं पा रहे हो, तो शरीर लेने का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो जानवरों को भी शरीर मिला, पक्षियों को भी शरीर मिला, तो सब शरीर पाए हुए हैं, लेकिन मानवतन सौभाग्यशाली। भाग्यशाली क्यों कहा गया? कि मानवतन को एक विशेष लाभ मिला है कि वो परमार्थी सेवा करके अपने पिछले कर्मों के बोझों को उतार सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी लोगों को ये मौका दिया है, इससे सरल कोई इसमें तो पैसे आपके नहीं लगने, लेकिन तुम शरीर भी नहीं लगा पाए, और ये तुम्हारे गांव तक सेवा करके सड़क बना के तैयार कर दी तुम्हारे चलने के लिए, और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि चलना हमको है, काम हमारा आना, और ये क्यों कर रहे? तुम्हें ये क्या मालूम ये क्यों कर रहे हैं, किस लाभ के लिए कर रहे हैं? कोई जने मजदूर नहीं है, इनमें से ऐसे ऐसे करोड़पति मिट्टी डाल रहे हैं जिनको तुम पहचान नहीं सकते हो और तुम्हें खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे ही लोग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ये पहचान कहाँ है? तुमको जीवों की पहचान कहाँ? केवल शरीर देख रहे हो, जो चमड़े का खोल, ये तो सबके पास, इसका कोई महत्व नहीं है। चमड़े का खोल का महत्व है इस खोल से जो काम कराना जानता है, परमार्थ बनाना जानता है, लोगों को परमार्थी लाभ देना यानी जानता है, वो इस शरीर को कामयाबी हासिल करा सकता, अन्यथा ये काम विश्व में किसी के बस में नहीं। जय गुरुदेव। मथुरा में सेवा हुई, मथुरा के आसपास गांव वालों ने कुछ नहीं सोचा, मथुरा के लोगों ने कुछ नहीं सोचा, अपने को धार्मिक कहते रहे और धर्म की परिभाषा नहीं जानते, न धर्म से कोई लाभ ले पाए। ये तो संत महापुरुषों को मालूम है कि धर्म किसे कहते, कर्म किसे कहते, मानवता इंसानियत किसे कहते, ये तुम्हें कहाँ मालूम है? तुम तो भोगों की जिंदगी जी रहे हो, भोगों की जिंदगी लादे हो, और बहुत पहले से लाद रहे हो, और आज भी उसको यानी उतारने की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है कि कितना लादे है, कितना लद रहा है, और उतारने का कोई बात समझ में नहीं आ रही, इस बोझे को कैसे उतारा जाएगा। कितनी बार अभी पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आपको जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर्मों का विधान बड़ा विचित्र है, ये तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं है। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक परमार्थी लाभ आपकी समझ में आएगा ही नहीं, तुम देखते रह जाओगे और देखते देखते काम बन जाएगा। अहंकार में, गरुड़ गुमान घमंड में कोई काम नहीं होगा, वो तो दीनता में, क्योंकि उसने अपना नाम दीनदयाल रखा, कहा तुम दीन बन जाओ, मैं दयाल बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम गरीब बन जाओ, मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारा काम कर दूंगा, काम करा दूंगा, लेकिन तुम बनो तो तुम सब बिगड़ने के चक्कर में जुटे पड़े हो, कोई खान पान से बिगड़ रहा, कोई मतलब यानी कर्मों से बिगड़ रहा है, कोई आंखों से कानों से बिगड़ रहा, कोई शंका संदेह भूल कर रोक करके अपने मन को बिगाड़ रहा, तुम तो बिगाड़ने में लगे हो, बनाने की बात तुम्हारी समझ में आती नहीं। मैं जो संदेश जारी करता हूं वो सब आपके बनने का, लेकिन बनने की बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी ये 5 दिवसीय जो आध्यात्मिक सत्संग समारोह होने जा रहा है, ये तुम्हारे
बनने की बात है, तुम बिगड़े हुए हो, समझ जाओ, सुधर जाओ, आगे कुदरत तैयार खड़ी है, इतनी सजा देगी, इतनी मार लगाएगी, तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम कृष्ण प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम कृष्ण प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम कृष्ण प्रभु का, तो ज्ञान आश्रम पर परमार्थी सेवाएं निरंतर चल रही हैं और 15 सितंबर महाअवतरण दिवस की तैयारियां भी काफ़ी जोरों शोरों से हैं। स्वामी जी महाराज की कुटिया के आगे जो ये गेट बना है, जिसका अभी प्लास्टर हो रहा है, फर्श दीवालों का नक्काशियां हो रही हैं, आप सभी देख सकते हैं, ये भी अपने अंतिम चरण पर है। ये नीचे केवल प्लास्टर करना है, यहाँ पर अंदर इंटरलॉकिंग हो रही है जो कि अभी आपने देखा, और ये जो दीवाल है, एक मिनट, ये जो दीवाल है और वो दीवाल है। तो पहले ये गेट बंद था तो स्वामी जी महाराज की गाड़ी उधर से आती थी, अब ये दीवाल लॉक हो जाएगा और अब गाड़ियाँ इधर से आएंगी, आना जाना इधर से होगा क्योंकि अब गेट लगभग तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर न्यू निर्माण करके मिस्त्री अभी डालेंगे और दीवाल तैयार हो जाएगा। और यहाँ के जो भी सामग्रियाँ हैं यहाँ से हटाई जा रही हैं, साफ सफाई हो रही है, यहाँ भी मिट्टी पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काम रहा भैया? हाँ ठीक है, खाली करा दीजिएगा। अरे सर हो जाएगा, देखिए अंतर अंदर में इंटरलॉकिंग की सेवाएं देखिए चल रही है, ईंटें लाकर रख दिए हैं प्रेमियों ने। तो इसको बिल्कुल रात्रि से ही, कल 30 अगस्त के रात्रि से ही ये प्रारंभ हो गया है ये सेवाएं, और मिट्टी ये सुबह पड़नी थी, सुबह पड़ गई है। जय गुरुदेव। और उधर स्वामी जी महाराज के मंच का ढांचा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। वो देखिए, ये है मंच का ढांचा स्ट्रक्चर। इस पे अभी ये लोग क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो तो बनने के पश्चात ही आप सभी को 15 सितंबर को देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव।